विश्वसनीयता का प्रतीक बुढ़ामल ज्वेलर पालमपुर। इंदौरा की बोगरवा पंचायत में चुनावों की मतगणना के दौरान हुई मामूली कहासुनी ने कुछ देर बाद खूनी झड़प का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों के समर्थकों में मामूली कहासुनी हो गई। अतः नतीजा आने के बाद कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया, तेज हथियारों सहित गोली तक चल गई। लेकिन ये अभी तक नहीं पता चल सका है कि गोली किसने चलाई। डीएसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब 10:30 बजे थाना इंदौरा में किसी ने फोन कर सूचना दी कि गांव भोगरवा में झगड़ा हुआ है और गोली चली है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं जब पुलिस आरोपियों को मेडिकल करवाने अस्पताल इंदौरा ले जा रही थी, वहां भी उन्होंने पुलिस के सामने झगड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। किया दूसरी पार्टी ने, उसको लगी है 3 फट 4 लगे हैं, उसकी बुरी हालत है ना, 3 घंटे से अंदर बिठाया है और उस उनके ऊपर जरा सर ना गलत इल्जाम लगाया है, 307 बनाई है। दूसरी पार्टी को ना अरेस्ट करवाई हुई है पठानकोट हॉस्पिटल में। मेरा बच्चा इतना तंग है, इनके पास हथियार है, सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, बच्चे खाली थे बिल्कुल। अब ये मिलने भी नहीं दे रहे हैं हमें बच्चों से। इलेक्शन के आते टाइम इन्होंने जब काउंटिंग हो रही थी, बच्चों रात को मतलब रिजल्ट सुनने के लिए गए हुए थे, घर को आते टाइम इन्होंने बच्चों को घेरा है, मारा है, इतनी गंदे तरीके से मारा है। इन्होंने अपने हथियार रखे, आचार संहिता के चलते हुए इन्होंने मतलब अपने घर में नाजायज हथियार रखे हुए थे, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन्होंने पता नहीं किसी तेज धारदार हथियार से हमारे बच्चों को मारा है, बड़े गंदे तरीके से मारा है, इन्हें रास्ते में अपने घर के सामने घेर के हमारे भाइयों को मारा है इन्होंने। इनके ऊपर कोई केस नहीं चला, हमारे छोटे बच्चे हैं मतलब उनको कोई समझ भी नहीं है इन चीज़ों की। उनके ऊपर इन्होंने 307 धारा लगाई हुई है अटैम्प टू मर्डर की, और अगर तो फिर इन्होंने मतलब अटैम्प टू मर्डर की इनके ऊपर भी लगनी चाहिए, दूसरी पार्टी के ऊपर भी लगनी चाहिए। उनको आराम से, वो हॉस्पिटल में है, किसी ने नहीं देखा जाके कैसे हैं, वो ऐसे ही सोए हुए हैं क्या, उनको तो मारा भी नहीं है, उतना तो इतने गंदे तरीके से मारा भी नहीं है, और बोल रहे हैं कि मतलब इनको बड़ा हथियार, इनके पास गन थी, वो इनकी थी। अगर किसी भी बच्चे, जितने भी बच्चों के नाम इन्होंने लिखवाए, किसी के नाम पे भी गन इशू है तो फिर आप ऑनलाइन निकलवा सकते हो, ऑनलाइन जिनके पास गन होती है ऑनलाइन निकल जाता है कि किसके पास गन है किसके पास नहीं है। बहुत हम चाहते हैं कि पुलिस वाले निकलवाएं, और आचार संहिता के चलते इनके पास हथियार कहाँ से आए, इन्होंने नाजायज हथियार रखे हुए थे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए, हम ये चाहते हैं बस। ये जो लड़ाई हुई है, इसमें कंप्लेनेंट जो पक्ष है वो पुरुषोत्तम जी की तरफ से कंप्लेंट आई थी। ये लड़ाई चुनावी दौर के टाइम पे हुई, इनकी आपसी रंजिश थी, जो अक्यूज पार्टीज हैं इनके पुरानी कोई इनसे रंजिश थी। तो 10:45 के आसपास ये घटना घटी है। इस घटना में एक गनशॉट फायर करा गया, जिसकी सूचना पुलिस स्टेशन में मिली। इसी के मुताबिक FIR नंबर 7/2021 रजिस्टर करा गया। सेक्शंस इसमें लगे हैं 452, 307, 147, 148, 149 एंड 25। इसमें 7 अक्यूज्ड हैं, जिनमें से 3 को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। ठीक है जी। जो अरेस्टेड अक्यूज्ड हैं उनका नाम इस प्रकार है: भुवनेश उर्फ वॉनी, नितिन उर्फ रिक्की, दीक्षांत उर्फ दीक्षी। ये तीनों बंदे अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें अभी तक कोई भी माइनर नहीं है। जो बाकी के 4 बंदे हैं उनकी अभी खोज जारी है। और इसी के रिगार्डिंग एक और FIR रजिस्टर हुई थी, जो क्रॉस केस हुआ था, इसमें जो अक्यूज पार्टी ने दूसरे पक्ष पर लगवाई थी, उसमें 341 और 323 IPC के तहत धाराएं लगाई गई हैं। जब पुरुषोत्तम जी जो कंप्लेनेंट हैं, जब वो यहाँ से उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब वहाँ पे जो अक्यूज पार्टी है उन्होंने वहाँ पे फिर से हमला करा। उस पूरे इंसिडेंट में 7 से 8 लोग और शामिल हैं, जिसकी अभी FIR रजिस्टर हो चुकी है, और इसकी भी तहकीकात करी जा रही है कि वो बंदे कौन कौन हैं। उनको आइडेंटिफाई करा जा चुका है और उनको अभी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए इंदौरा से ब्यूरो रिपोर्ट।